नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में, जो 5 तारीख 2023 को पड़ने वाला है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे मेल करे और व्हाट्सएप पे मैसेज करे, कॉल करे, उन्होंने ये पूछा कि बाबा चंद्र ग्रहण पे कोई साधना बताओ। तो मैं सबसे पहले आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ कि आप लोग समझते क्या हो, ये साधना को आप लोग समझते क्या हो। मुझे तो समझ में नहीं आता। ये कोई बाजार से खरीदने वाली चीज़ है कि मैं आपको उठा के दे दूँ और आप लोग कर लोगे और हो जाएगा, या कोई दुकान में मिलने वाला, कोई शॉपिंग सेंटर में, कोई मॉल में, या कोई ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे बिकने वाली चीज़ है जो वो कोई बता देगा या कोई भेज देगा और आप लोग कर लोगे, हो जाएगा। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि ये आप लोगों के दिमाग में किसने बिठाया कि साधना ले लो, कर लो और हो जाएगा। साधना करना उसकी एक बहुत बड़ी क्रिया है, एक बहुत बड़ा विषय है, एक ज्ञान का, सोच का और आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको किसी को गुरु बनाना पड़ेगा। आप किसी को भी अपना पहले गुरु बनाइए। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे गुरु बनाएं या मेरे गुरु को गुरु बनाएं। आपको जो अच्छा लगे, आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपकी सिटी में, आपके गांव में, आपको जो अच्छा लगे, आप जिसकी पूजा करते हो या जिसको मानते हो, मान सम्मान देते हो, जो आपको लगता है कि वाकई में ये ज्ञानी है, पंडित है, जानकार है, आमिल है, मौलाना है, तांत्रिक है, गौड़ है, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप उसके पास जाइए, आप उसके हाथ पर जोड़िए, उसको अपना गुरु बनाइए। अगर वाकई में वो गुरु बनने लायक योग्य है तो ही गुरु बनाइए। आप पहले तंत्र की क्रियाओं को समझे तो सही, षट कर्मों को समझो तो सही। षट कर्म किसे कहते हैं? पहले आप अपने आप का रक्षा कवच, बंदिश, तंत्र की शक्तियां, किस शक्तियों को हम जगा रहे हैं उसके विषय में पहले आप जान तो लीजिए कि वो क्या है, कौन है, किस साधना को करने जा रहे हो, किस विषय को। पहले आपको षटकर्म तो पहले पूरा करो। पहले आप स्टेप बाय स्टेप, आप जूनियर केजी, सीनियर केजी करते करते आने के बाद ही तो आप पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी में आओगे। उसके बाद ही तो आप दसवीं का एग्जाम दोगे, फिर कॉलेज में जाओगे। डायरेक्ट आप एग्जाम, डायरेक्ट आप साधना। अगर साधना ऐसी आसान होती तो आज हर कोई आदमी काम धंधा छोड़ के केवल साधना करता। साधना करो, शक्ति बुलाओ, परी बुलाओ, जिन बुलाओ, जिन्नात बुलाओ, कर्ण पिशाचिनी बुलाओ, यक्षिणी बुलाओ, कानों में बोलने वाली शक्ति बुलाओ, बैठ जाओ, गद्दी लगाओ, उसके बाद लोग चल के आएंगे, पैसा आपके पास खुद ब खुद आएगा। कितना आसान है ना। एक साधना बताता हूँ, 3 दिन में कर लो। एक साधना बताता हूँ, 10 दिन में कर लो। एक साधना बताता हूँ, 11 दिन में कर लो, 21 दिन में कर लो, हो गया। कितना आसान है। लाओ 5,000 दे दो, 10 दे दो, 15 दे दो, 20 दे दो, साधना का दे दो, कर लो। मन, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो रही है, आपकी आपकी कल्पना, आपकी भावना, आपका इमेजिनेशन, आपकी सोच और आपका गुरु के प्रति सम्मान, निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास, आस्था, यकीदा आपका मजबूत होना चाहिए। जब गुरु आपको कोई मंत्र दे, शक नहीं, आपको उसके ऊपर विचार करना है कि मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया है, उस श्रद्धा विश्वास के साथ उस मंत्र को जपना है। मैंने कहा ना, पहले आप रक्षा कवच को समझे। मैंने ऐसे कई वीडियो में मैंने बताया, श्री ओम नमो आकाश बांधू पाताल बांधू, उसके बाद श्री ओम नमो जल बांधू जंजाल बांधू, श्री ओम नमो आकाश काटू पाताल काटू, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ला इल्ला की कोटरी बिस्मिल्लाह की थाई। तो मेरे ऐसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आयतल कुर्सी आजारी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रक्षा करने आओ मेरी साधु संत फकीर, ओम नमः शिवाय, तो बहुत से ऐसे मैंने मंत्र बताए हैं। पहले आप उन मंत्रों को जगाएं, ग्रहण के दिन बैठ के कम से कम 108 बार माला पे, काउंटर मशीन पे, कच्चे चने के दाने के ऊपर पड़े, पढ़ के वो दाना कहीं अच्छी जगह पर डाल दे, या फिर आप मशीन में पड़े, या फिर आप कोई भी माला, हकीक की माला, रुद्राक्ष की माला, जो आपके पास 108 दानों की माला होगी, आप उससे पढ़े, होठों को बुदबुदाते हुए पढ़े। ग्रहण का मतलब है आपको उस दिन आपके मंत्रों को आपको चार्ज करना है, शक्ति डालना है। मैं साधना करने बैठ जाऊँ, अमावस्या है, मुझे एक मंत्र दे दो, साधना दे दो, दिवाली आ रही दे दो, पूर्णिमा आ रही दे दो, ग्रहण आ रहा दे दो, अमावस्या आ रही दे दो, पागल हो जाओगे, दिमाग पैदल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। जब सामने शक्ति आके खड़ी हो जाएगी, एक फटके में आपकी पलक नहीं झपकेगी जब तक, तो आपको फिर जिंदगी भर ऐसे बालों को खुजाते हुए, दांतों में उंगलियां चबाते हुए, फटे हुए कपड़े पहन के रोड पे घूमना और एक कोना पकड़ के बैठ जाना, घर वाले बोलेंगे क्या हुआ, बोले साधना करने गया था। मैं आज ऐसा कई उदाहरण आपको दे सकता हूँ। मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा, बेहतरीन, स्माइल नाम था उसका, वो साधना करने की बहुत जिद करता था, उसने कभी किसी को गुरु नहीं बनाया। तो मैंने उससे कहा था कि देख, बिना गुरु के कोई साधना मत करना, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। अरे मैं जिन्ना साधना करूँगा, मैं सूरज जिन करूँगा, उसको हाजिर करूँगा। 41 दिन की साधना में बैठ गया,
40वें दिन ही वो मरा हुआ मिला अंदर से। तो ऐसे कई ऐसे उदाहरण जिसको मैं बारे में दे सकता हूँ। और ऐसे एक बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसने अपने पिताजी को कभी उसने अपना गुरु नहीं बनाया। उसके पिताजी बहुत बड़े अच्छे तंत्र के बहुत बड़े साधक थे, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बनारस के बहुत अच्छे तंत्र के साधक थे। बेटे ने जिद किया कि नहीं, मैं काल भैरवी को या काल भैरव को सिद्ध करूंगा, शमशान में जाऊंगा, ये कर गया, वो सुबह मरा हुआ मिला। तो जरूरी नहीं है कि वो आपको शक्ति आके मारेगी, आप डर से भी मर जाओगे, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा या आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, दिमाग में स्ट्रोक ब्रेन या ब्रेन डैमेज या फिर आपका ब्रेन हैमरेज कुछ भी ऐसा हो सकता है, आप हार्ट अटैक लकवा मार सकता है। तो शक्तियाँ जब किस रूप में आएगी, भयंकर रूप में आएगी, अच्छे रूप में आएगी, या आपको सात्विक शक्ति आएगी या कोई तामसिक शक्ति आएगी, ये नहीं कह सकते आप किस प्रकार के मंत्रों को पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप किसी गुरु के दायरे में रहते हैं तो गुरु आपकी रक्षा करता है, भले वो जिंदा हो या मर गया हो, लेकिन उसकी शक्ति आपके आसपास, क्योंकि वो गुरु उस मंत्र को क्यों देता है, क्योंकि गुरु ने उन मंत्रों को, उन शक्तियों को सिद्ध किया हुआ होता है। तो गुरु को पता है कि उसने सिद्ध किया तो उसने उन शक्तियों को कैसे बुलाया, कैसे उसका अनुभव किया। तो इसलिए गुरु जब देता है तो सब बताता है कि आप इस मंत्र को ऐसे करो, ऐसी साधना करो, ऐसे अमल करो, ऐसे बैठो, ऐसे रहो, पाक साफ रहो, अच्छे कपड़े पहनो, सामने हर चीज़ रखो, एक चीज़ की भी कमी मत रखो जब आप सामग्री लेके बैठो, या आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेशन, आपका इमेजिनेशन, आपकी सोच, आपकी कल्पना, आपका ध्यान, आपका मार्ग एकदम कॉन्सेंट्रेट हो। मैं बैठे यहाँ है, दिमाग लड़की की तरफ लगा हुआ है, बाबा कल मिलने जाना है उसको, कल बुलाई है हमको, अरे आज यहाँ बैठे हुए, अरे यार पार्टी को फ़ोन करके बता दे साधना कर रहे हैं तुम्हारी हम बहुत बड़ी, कल 2,000-5,000 हमको 20,000 दे देना बैंक में। तो 500 दिमाग जो गंदे ख्याल चलते हैं ना, आपका सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड, आपका आप ऊपर के मन से बातें तो करते हो लेकिन आपके अंतर मन में कुछ ना कुछ चलते रहता है। आपको अपने अंतर मन को नियंत्रण करना है, साधना ऐसी सफल नहीं होगी। आपको देखने के लिए आपकी आंखों में त्रियामी थर्ड डायमेंशन पावर भी होना चाहिए, वो कैसे मिलेगा, वो गुरु देगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्टेप बाय स्टेप गुजरना पड़ेगा। जब आप उस लायक बन जाओगे तो शक्ति सामने साक्षात रूप से आके खड़े होकर पूछेगी, बोल क्यों बुलाया, तब आप उससे अपना काम करवा ले या उससे आपको आप अपने अधीन कर ले। वश में कोई किसी के नहीं होता, एक बात याद रखना। आप सोचते हो ना, अरे मैं शक्ति को वश में कर लूंगा, उसको 50 बार भेजूंगा। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, आपके आसपास कोई आपका कोई बच्चा रिश्तेदार या कोई आप दोस्त मित्र, आप उसको एक काम करो, 5 किलोमीटर तो दूर भेज दो कुछ सामान मंगाने के लिए। सामान जब वो लेके आएगा तब उसको बोलना, अरे यार ये तो तूने गलत लेके आया, दूसरा लेके आ। फिर वो वापस जाएगा, फिर वापस आके बोलेगा, बोला अरे यार ये रंग ठीक नहीं है, कलर ठीक नहीं है यार, कि ये थोड़ा बड़ा हो गया ये। फिर वापस भेजना, 3 बार जाएगा, 4th बार आके बोलेगा, तेरे बाप का नौकर हूँ क्या बे, एक ही बार बोलना, बार बार क्या चाहिए। वो खुद चिढ़ जाएगा। तो यार तुम उस शक्ति की बात करो जिसको तुम अपने वश में करके तुम उससे 500 काम करवाओगे और वो तुम्हारे जबान पे गूंगी बन के चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। लोग कहते ना कि शक्तियाँ हमारे अधीन, हम शक्तियों के महाराज, हम शक्तियाँ हमारी गुलाम, कोई शक्तियाँ किसी की गुलाम नहीं होती, साधक शक्तियों का गुलाम हो जाता है। हाथ जोड़ के प्रणाम करके बुला के उनसे, इसका काम है, तकलीफ में है, तस्वीर ये, इसकी ये परेशानी, ये नाम है, कुछ समस्या का हल बताइए, इस तरह से चल ये काम करके आ, वो काम करके आ। ये जो सोच है ना दिमाग में आपकी, मेरे पास जीन आ जाएगा तो मैं उसको ऐसा भेजूंगा, कर्ण पिशाचिनी मेरे कान में ऐसा बोलेगी, ये सब बातें जो है ना आप अपने ख्याल से, दिमागों से निकाल दो। ये फिल्मों की दुनिया में मत रहो, फिल्मों में बैठ कर साधना करने, सामने आ गई, बोल क्या चाहिए, बोल मानो क्या इच्छा है तेरी, सब वश में कर लिया, आप उसको अधीन कर लिया, मैं जब बुलाऊंगा जब आएगा, अंगूठी में, हार में, कड़े में, चैन में, ये वो खुजाने से, ये जो जितनी बातें ना, ये सिर्फ एक किताबी बातें हैं। अनुभव करने बैठो, आपके घुटने छिल जाएंगे, आपके एड़ियाँ छिल जाएगी, मंत्र पढ़ के कमर की हड्डियों में आपके गैप आ जाएगा, मन का सड़क जाएगा आपका। साधना किसको बोलते हैं, 2 दिन 3 दिन 5 दिन, अरे बरसों लग जाते हैं। लोग तो कभी कभी 6-6 महीना साधना करते, मेरे गुरु करते थे, जब 40 दिन की साधना नहीं हो तो फिर और 40 दिन, उस चीज़ के पीछे पड़ जाता, उसको मजबूर होकर नीचे आना पड़ता था। किसी को भी शिद्दत के साथ, दिल से, इबादत से, साधना से, श्रद्धा से, विश्वास से बुलाओ ना, तो भगवान भी, खुदा भी नीचे आके पूछेगा, बोल बंदे तेरे को क्या चाहिए। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता, पता नहीं क्या मालूम मेरी बातें आपको अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है, या हो सकता है आप लोग सोचते हो सकता है कि आप लोग सोचते होगे कि आदमी कितना बोल रहा है, कितना सुना रहा है, हम लोगों को इसको सुनाने का इतना हक नहीं, वैसे मुझे कोई हक भी नहीं, मुझे माफ करना। लेकिन एक बात आप सोचो यार, मैं आप लोगों को छोटा छोटा जो मंत्र दिया, पहले उसको चलाओ, एक मंत्र के 20 प्रयोग है मैंने अभी तक, आप 5 से 6 मंत्र दिया, आपके पास सोचो 120 प्रयोग है। आप 120 काम धंधा रोजी रोटी बरकत, मैंने कहा ना षटकर्म, शांति कर्म, विद्वेषण कर्म, उच्चाटन कर्म, आकर्षण कर्म, मारण कर्म, स्तंभन, तो ये सब कर्मों को पहले समझो, सीखो, उसके बाद आगे बढ़ो।
मैंने यंत्र आज तक क्यों नहीं बताया? यंत्रों को समझना बहुत भारी है, जिसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष को समझना पड़ेगा। मैं तंत्र और मंत्र ही केवल क्यों बताता हूँ, क्योंकि तंत्र एक आसान क्रिया है, सामग्री को लेकर की जाती है। मंत्र उच्चारण की क्रिया है, जो मंत्रों के द्वारा की जाती है। तो पहले आप इन चीज़ों को पहले अमल में लाएं, सिद्ध करें, इनको चलाएं, इनका प्रयोग करें। उसके बाद जब आप मुझे लगा आप उस लायक हो, लेने लायक हो, मैं आपको देने लायक हूँ। मेरे गुरु ने जो मुझे दिया मैं दे के जाऊँगा। मेरा ज़्यादा दिन नहीं है, मैं फिर भी मैं दे के जाऊँगा, क्योंकि मुझे मेरा भविष्य पता है। मैं कब जाऊँगा कब नहीं जाऊँगा ऊपर वाले की मर्जी से। मुझे समझ में आ गया कि जिस तरह से मेरी शरीर की बनावट और बीमारी जो मुझे अंदर से बन रही है, वो मुझे पता है कि उसका लास्ट में एंडिंग क्या होगा। बाईपास होगा, बचूंगा नहीं बचूंगा भगवान जाने, लेकिन है तो दे दूंगा। चलाना नहीं चलाना वो आपका काम है। बनना है तो कुछ ऐसा बनो कि लोग तुम्हारा नाम ले, तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारा सम्मान करे। पैसों के पीछे भागना बेकार है, पैसे कमाने के लिए तंत्र मंत्र सीखना बेकार है। लड़कियों के पीछे भागना, नशे के पीछे भागना, घमंड और अहंकार, इन सबको दूर रखो तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। पहले छोटे छोटे काम करो, लोगों की दुआ तो सुनो, कैसे दुआ देते हैं वो लोग। जब आप किसी का भूत प्रेत निकालोगे या किसी के ऊपर नज़र निकालोगे, मेरा बच्चा अच्छा हो गया, मेरा परिवार में ये अच्छा हो गया, मैं सुनो कितनी दुआ वो दिल से देते हैं। दुआएं बहुत काम आती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग जो मेरे मंत्र हैं उनको ही पढ़ो, उनको ही सिद्ध करो। बैठो आराम से, शाम के वक्त जब ग्रहण लग जाए देखो टाइम टेबल कैलेंडर में, बैठो, बैठ के साफ सुथरे कपड़े पहनो, जमीन के ऊपर कोई आसन, कोई आपको बंदिश रिंग करने की जरूरत नहीं है। आप पसकाली लेके, मेरे गुरु का नाम लेके, स्वर्गीय श्री मोती सिंह राठौर जी महाराज, आप जहाँ भी हो अगर आप सुन रहे हो, आपके दिए मंत्रों का हम उच्चारण कर रहे हैं, तो कृपया करके इन मंत्रों में जान डालिए, इनको सिद्ध करिए, ताकि ये भले के लिए, समाज कल्याण के लिए ये मंत्र काम आ सके। ऐसा बोल के आपको मंत्र को 108, हो सके तो 128 बार भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप जैसे कच्चे चने पढ़ ले, मंत्र पे पढ़ ले, माला पे पढ़ ले, तो समझ जाना आपका मंत्र सीधा होगा। फिर आप अपने हवा सब फूक लेना, हाथों पे फूक के पूरा मसल लेना, मंत्र आपके अधीन हो जाएगा एक साल तक का। फिर दूसरा मंत्र थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट के बाद आप फिर वही मुँह धो के वापस बैठ जाओ। तीसरा भी ऐसे करके, आपके जितने मंत्र आपको चाहिए तो आराम से एकांत कमरे में शांत, कोई आपको आवाज़ नहीं दे, या कोई ऐसी जगह हो जाके वहाँ बैठ के कर लो। आप जितना जहाँ अच्छा बैठ के करोगे वो आपके लिए उतना अच्छा होगा। बस आपको उसको कंठास करना है, बिना देखे मुंह जबानी पढ़ते हुए नहीं। जब आप उसको कंठास कर लोगे तभी मंत्र आपके अधीन के, इस आदमी के दिमाग में, इसके दिल में, इसके जहन में, इसके मन में हमको ये याद कर रहा है, वो भी बिना देखे, आ जाती है शक्तियाँ। ठीक है, पहले इनको इस्तेमाल करते हैं, फिर आगे चल के धीरे धीरे बताएंगे। अभी मैंने उज्जैन नगरी की सीरीज चालू की है, वो 3 एपिसोड कर दिए हैं, और कुछ और भी आगे बताते रहूँगा। तो जैसा जैसा मुझे समझ में आते रहेगा मैं बताते रहूँगा, और दुआ करिए जल्दी अच्छा हो जाओ। आप लोगों के सामने और भी वीडियो बनाने हैं मुझे, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नीचे मैंने ज्वाइन का बटन दिया, आप ज्वाइन करके आप मेरे मेंबर भी बन सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। ऐसे रहस्यमय अमलियात, टोने टोटके, साधनाएं, वजीफे, विधि विधान और चमत्कारी प्रयोग मैं आप लोग के सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज भाग 2 को खरीदना न भूले। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।